हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है बी हरियाणा। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 2023 और 24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? आपके ऑप्शन हैं ए AMU, बी DU, सी JNU या डी IIM अहमदाबाद। आपका सही जवाब है बी DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी अमृतसर, सी कोलकाता या डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब है डी नई दिल्ली। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी नागपुर, सी हैदराबाद या डी कोलकाता। आपका सही जवाब है ए मुंबई। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एडवर्ड डॉस सैंटोस का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी अंगोला, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है बी अंगोला। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ए गुजरात। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियों सौंपी हैं? आपके ऑप्शन हैं ए UAE, बी रूस, सी अमेरिका या डी यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब है सी अमेरिका। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जयपुर, बी श्रीनगर, सी बेंगलुरु या डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब है बी श्रीनगर। हाल ही में किस राज्य में आवारा कुत्तों के लिए QR टैगिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी मुंबई, सी पटना या डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब है
डी नई दिल्ली। ऐसी और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।